आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर एक्सरसाइज है 13.1 और हमने लिया है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में चार पार्ट दिए गए हैं, चारों पार्ट को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 की एक्सपोनेंट लिखी है यहाँ पर 6, यानी कि 6 यह दर्शा रहा है कि 2 को उतनी बार ही मल्टीप्लाई करना है जितना यहाँ पर नंबर दिया जाए, यानी जैसे यहाँ पर लिखा है 6 तो लिखेंगे हम 2 × 2 × 2 कितनी बार लिखेंगे, 6 टाइम लिखेंगे, ठीक है। तो 6 टाइम ये देखिए हो गया इस तरीके से। अब इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, जो फाइनल नंबर आएगा वो लिखना है, बस यही कह रहा था यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पता करनी है क्या है, ठीक है। 2 × 4 = 4 × 8 = 8 × 16 × 16 = 32 32 × 64, ठीक है। इस तरीके से फाइनल आंसर आ चुका है। चलिए 9 की एक्सपोनेंट यहाँ पर कितनी दी गई है, 3, तो यानी कि यहाँ पर इस तरीके से लिखना है 9 × 9 × 9 लिखना है, ठीक है। इस तरीके से 9 × 9 लिखेंगे तो 9 × 9 जा कितना हो गया 81, और 81 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 मिलेगा। अगर देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 × 1 = 9 और 9 × 8 = 72, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। चलिए 11 की एक्सपोनेंट यहाँ पर कितनी दी गई है, 2, ठीक है। तो यानी कि 11 × 11 कितना हो जाएगा 121, ये फाइनल इसका आंसर आ गया, इस तरीके से लिखना है। चलिए 5 की एक्सपोनेंट यहाँ पर कितनी लिखी है, 4 लिखी है, ठीक है। तो 5 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 × 5, तो 5 × 5 = 25 और 25 × 5 = 125 होगा, और 125 तो हो जाएगा 625, इसका राइट आंसर होगा। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, क्लास वाइज पढ़ी हुई हैं, वहाँ से अपनी इच्छा अनुसार जो भी क्वेश्चन नंबर देखना चाहते हैं, जो भी चैप्टर देखना चाहते हैं, चैप्टर वाइज वहाँ से अपना क्वेश्चन देख सकते हैं, उसका आंसर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।